सबसे पहले गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएं। दोस्तों, अगर आपके फेस में भी सनटैन सनबर्न की प्रॉब्लम हो गई, आपका चेहरा भी डल पड़ गया है, उसके साथ ही साथ आप DIY ट्राई कर करके थक चुके हैं, तो इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच चंदन पाउडर। चंदन पाउडर में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके हाइपर पिगमेंटेशन और धूप धूल की वजह से आपका चेहरा डल पड़ गया उसको रिमूव करने में, दाग धब्बों को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। चंदन जो है आपके फेस को नमी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही आपको चाहिए रोज वाटर, ये घर का बना हुआ रोज वाटर है। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, आप घर पे भी रोज वाटर बना सकते हैं। 2 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करूँगी रोज वाटर, जो कि आपके फेस को टोनिंग प्रोवाइड करेगा, उसके साथ ही साथ दाग धब्बों को रिमूव करने में हेल्प करता है और आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को होने नहीं देता, ऑयल प्रोटेक्शन को रोकता है, तो बहुत ही अच्छा होता है रोज वाटर आपके स्किन के लिए। उसके साथ ही साथ आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है गाइस, जो कि है फेस वॉश। फेस वॉश आप कोई भी ले, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप 2 चम्मच इसके अंदर फेस वॉश ऐड करें। उसके बाद इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। फेस पे अप्लाई करने से पहले गाइस इस बात का जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप अपने फेस को गीला कर लें। अगर आप अपने फेस को बिना गीला किए ही अगर इसको अप्लाई करते हैं तो रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इस बात का ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को गीला कर लें। जब भी गाइस इसको अप्लाई करते हैं तो आप 5 से 7 मिनट अपने फेस में मसाज दें, उसके बाद थोड़े दिन 2-4 मिनट अपने फेस में इसको रहने दें, उसके बाद ठंडे पानी से आपको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद में टॉवल से वाइप कर लें और कोई भी एक फेवरेट मॉइस्चराइजर आप अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेमेडी कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएं। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।